तो जी यार भाई बहनों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो गाइस मेरा नाम है सिद्धार्थ और गाइस वेलकम टू माय चैनल। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं कुछ पीसी से रिलेटेड थिंग्स के बारे में। तो गाइस जैसे आज का टॉपिक ये है हमारा कि जैसे जब भी हम गेमिंग करते हैं, अगर हमारा लो एंड पीसी होता है तो हमारी गेम बहुत ज़्यादा लैग होती है। उसमें मेनली आपके इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। तो आपकी आज मैं गेमिंग को ऑप्टिमाइज करवाने के लिए मैं आपके लिए कुछ आपको टिप्स बताने आया हूँ। आप इसको करें तो आपके क्या बोलते हैं थोड़े FPS बूस्ट होंगे और आपको गेम में लैग भी नहीं फील होगा। तो गाइस अपना फर्स्ट स्टेप, तो गाइस यहाँ पे मैंने फर्स्ट स्टेप लिख रखा है। पहले आपको विंडोज प्लस R की दबानी है अपने कंप्यूटर में, उसके बाद आपको टेम्प लिखना है। उसमें करके दिखाता हूँ आपको विंडोज प्लस R, यहाँ पे मैंने टेम्प ऑलरेडी लिखा हुआ है TEMP क्लिक करेंगे। इसमें गाइस जैसे मैंने खोला तो फोल्डर खोला, इसमें बस थोड़ी सी फाइल्स हैं, वरना मैं क्योंकि मैंने फाइल्स को डिलीट कर रखा है। जैसे अगर आप जब आप खोलेंगे तो आपको इसमें कम से कम हज़ारों फाइल्स मिलेंगी आपको। तो आपको कंट्रोल प्लस A दबा के ये सारी सिलेक्ट करनी है और आपको डिलीट करनी है। इसमें आपको अगर आपको पीछे स्लो है तो आपको थोड़ा टाइम भी लग सकता है, पर क्या बोलते हैं हो जाएगा। उसमें आई थिंक आपकी होती है 5-6 GB की फाइल्स होती है, इसको आपको डिलीट करना होता है। टेंशन मत लीजिए, जो फाइल्स आपके डिलीट नहीं हो सकती हैं उनका आप स्किप मार दीजिए। सेकेंड ऑप्शन, आपको वापस से लिखना है W+R दबा के रन खोलना है। इसमें आपको पर इस बार टेम्प लिखा हुआ है, इसके आगे आपको परसेंट के साइन लगाने है। ठीक है, यहाँ पे आ चुका है ऐसे। अब इसको खोलते हैं। जब आप खोलेंगे तो इसमें आपको बहुत से परमिशन बार भी मांगेगा एडमिनिस्ट्रेशन की। ठीक है, तो वो आपको अलाउ कर देनी है। उसके बाद आपका खोलेगा ये फोल्डर, आपको इस पर कंट्रोल प्लस A दबाना है, डिलीट करना है इसको। ठीक है, जो फाइल्स नहीं हो सकती उनको आप स्किप कर दीजिए। ठीक है, अब वो करा। अब दूसरी चीज़, आपको विंडोज प्लस R आपको वापस दबाना है। यहाँ पे आपको लिखना है प्रीफेच PREFETCH। ठीक है, ये वाला स्पेलिंग देख लीजिए PREFETCH। उसके बाद खोलना है आपको। इसके लिए आपको परमिशन मांगेगा, उसको आपको कंटिन्यू करना है। यस, यहाँ पे करना है आपको। इसमें भी बहुत सारे ऐसे फाइल्स होती है। ठीक है, आप इनको भी कंटिन्यू कर दीजिए। जैसे आपको वापस कंट्रोल प्लस से दबा के इनको भी डिलीट करना है। ठीक है, आपका ये फोल्डर भी एंट्री हो गया। अब गाइस देखिए, अब आपको जिनको लग रहा है कि ये फाइल्स आपको कंप्यूटर को हार्म करेंगे अगर आपने इनको डिलीट किया, तो क्या ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये होती है टेम्परेरी फाइल्स, ये आपकी सिर्फ मेमोरी खाती है। और मेमोरी खाती है तो आपके कंप्यूटर में बहुत से ऐसे एप्लीकेशन होती है जो आपकी मेमोरी खाती है, और मेमोरी और गेम के लिए आपकी फिर मेमोरी बहुत कम बचती है, इसकी वजह से आपकी गेम लैग होती है। ठीक है, तब सेकेंड टिप, आपको खोलना है अपना विंडोज। यहाँ पे आपको लिखना है डिस्क डी फ्रैगमेंट DISK DFRAG। यहाँ पे अगर डिस्क फ्रैगमेंटर आपको खोलना है। अगर आपके पास विंडोज 10 है तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा हो सकता है। तो इसमें आपको करना है कि जब भी आपका खुलेगा तो ऐसा सा होगा, अगर विंडोज 10 में हल्का सा डिफरेंट सरफेस होगा पर सेम ही होगा। तो यहाँ पे आपको जाना है लोकल डिस्क C में। यहाँ पे आप मेरे में ऐसे आ रहा है सीधा डिस्क डिफ्रैग डिस्क। ठीक है, तो आपको सीधा इसमें विंडोज 10 में ऑप्टिमाइज का ऑप्शन आता है, पहले ऑप्टिमाइज करना है इसको। ठीक है, आपको विंडोज 10 में तो सीधा डिस्क डिफ्रैग कर दो। यहाँ पे एनालाइज करेगा, एनालाइज में टाइम लगेगा इसको। तो गाइस ये डिस्क एनालाइज करने में बहुत टाइम ले रहा है, तो अभी मैं इसको स्टॉप ऑपरेशन कर देता हूँ। तो गाइस इसमें एक ये बात बता दूँ, जब भी आपकी ये एनालाइज हो चुकी होगी डिस्क, तो अब यहाँ पे आपको ना छोटा सा ऑप्शन खुलेगा, इसके अंदर ना बहुत सारी फाइल्स होंगी। अब जो फाइल आपको लगता है कि जो फाइल इंपॉर्टेंट नहीं है आप उनको उड़ा सकते हैं, और जो इंपॉर्टेंट है आप उनको रहने दीजिएगा। अब गाइस इसमें आपको एक बहुत ज़रूरी बात बता रहा हूँ, अगर आपके पास SSD है तो आप इसको SSD को डिफ्रैग बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि ये आपके SSD की लाइफ कम करेगी। अगर आपके पास हार्ड ड्राइव है तभी आप इसको डिफ्रैग कर दीजिए कि कर देगा, क्योंकि हार्ड ड्राइव में ये कुछ ऐसा हार्म नहीं करता। ओके, सो गाइस जितने मैंने अभी आपको बताया उसमें गाइस, अब मैं बताता हूँ इसमें आपके क्या फ़ायदे होंगे। इसमें आपके कंप्यूटर की स्मूथनेस आ चुकी होगी, और जब भी आप कोई गेम खेलेंगे अगर आपके थोड़े से FPS बूस्ट हो जाएंगे। अब मैं बताता हूँ कि
मैंने ये इस वीडियो की इंस्पिरेशन किससे ली है? तो गाइस मैंने ये इस वीडियो की इंस्पिरेशन नियॉन टेक से ली है। तो गाइस उनके पास भी ये वीडियो है, तो गाइस उनकी वीडियो भी जाके देख लेना, उनकी वीडियो में और ज़्यादा क्लियरली बताया गया है। तो चलेगा गाइस, आई थिंक इस वीडियो में इतने काफ़ी, लाइक एंड सब्सक्राइब, नेक्स्ट वीडियो। सो टेक केयर एवरीबॉडी, बाय बाय।